प्लांटेशंस कैसे लगाते हैं Adobe Premiere Pro में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम वीडियो प्लांटेशंस कैसे लगाते हैं Adobe Premiere Pro में। ये भी बताऊंगा कि हम दो स्लाइड्स के दरमियान में कैसे लगाते हैं, और ये भी बताऊंगा कि हम वीडियो के स्टार्ट में कैसे लगाते हैं प्लांटेशन। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन। तो गाइज, अब हमने करना है, ये जो दो स्लाइड्स आप लोगों को नजर आ रही है, इनके सबसे पहले हम मिड में ट्रांजिशन लगाते हैं, ताकि मतलब बुरा सा ना लगे जब स्लाइड चेंज हो। तो सबसे पहले हम आते हैं इफेक्ट्स में, ये आपको जहाँ से हम इम्पोर्ट करते हैं वहां नजर आ जाएंगे। इफेक्ट के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ विजुअल ट्रांजिशन आप लोगों को सबसे एंड पे नजर आ रहा है। इसके ये जो एरो है राइट साइड पे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे ट्रांजिशन इफेक्ट्स आ जाएंगे। तो जौन सा आपको अच्छा लगता है वो उसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर बहुत ज्यादा है ट्रांजिशंस हैं, तो ये जैसे हम लेते हैं क्लॉक वाइप, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके हम टाइमलाइन के ऊपर आते हैं। तो अब हमने मिड में लगाना है, तो मिड में ये लगेगा, तो जहाँ आप एडजस्ट कर सकते हैं वहाँ आप कर लें। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करें तो हम इसको लंबी या फिर छोटी भी कर सकते हैं। ये जो ट्रांजिशन है इसको कितनी ड्यूरेशन हो इसकी, हम ज्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं। इसको डबल क्लिक करके ये देखें, अब तो कितना अच्छा लग रहा है। मतलब ये बहुत ज्यादा ट्रांजिशन है, जो आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। तो अब सेकंड बात आती है कि हमने अब फर्स्ट पे ये मतलब दरमियान में तो हमने लगा लिया, तो अब फर्स्ट पे तो नहीं मजा आएगा ना। फर्स्ट पे सिंपल सा आ रहा है, तो फर्स्ट पे भी हमने कोई ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना है तो वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये सेकंड स्लाइड को खत्म करते हैं और वो जो ट्रांजिशन थी उसको खत्म करते हैं। तो इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं, इसके ऊपर आके तो आते हैं अप्लाई ट्रांजिशन पे, तो ये हमारे ऊपर आ गया, पता नहीं क्रॉस इसी तरह का लिखा हुआ है। तो इसको हम सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें, तो फिर हम सबसे पहले तो हम वही इफेक्ट्स का ऑप्शन था उसके ऊपर हम जाएं। तो अब हमने जो भी लेना है वो हम ले सकते हैं। सबसे पहले हम चूज करते हैं कौन सी हमने लेना है, कोई ऐसा लेते हैं जो मतलब अच्छा लगे। तो ये हम वाइप ले लिए हैं, वाइप लेते हैं, तो अब हमने इसको सिलेक्ट करके उधर लेके गए हैं। तो सबसे अब हमने ये तो हो गया ठीक है, लेकिन ये तो जरूरी नहीं। तो गाइस, ये जो स्प्लिट ट्रांजिशन है ये बहुत ज्यादा इन है, ये बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन एक बात है कि लोग कहते हैं कि ये लेफ्ट से राइट, लेफ्ट और राइट की तरफ जा रही है दरमियान में से, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये ऊपर और नीचे भी कुछ लोग कर देते हैं, तो वो कैसे जाती है, तो वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत ईजी वे है। तो इसको सबसे पहले आपने सिलेक्ट कर लेना है ये ट्रांजिशन को, ये जो आपने लगाई है। उसके बाद आपने जाना इफेक्ट कंट्रोल्स में, हम चले गए तो अभी आ गए, तो ये जो एरो आ रहा है छोटा सा स्मॉल एरो आ रहा है, ये जो ऊपर को जा रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि ये ऊपर से नीचे दरमियान में से ऊपर और नीचे जा रही है, तो अब ये कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइस, इस वीडियो में हमने समझा कि हम वीडियो ट्रांजिशन कैसे लगा सकते हैं Adobe Premiere Pro के ऊपर। तो अगर आपको मेरी वीडियो आज की अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।